इस बीच आप एक स्टॉक देखिए मोल्ड टेक पैकेजिंग, करीब करीब 59,000 शेयरों के कारोबार के बीच 5 रुपये ऊपर, 3.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। आज और कल और परसों में इसमें क्या तेजी रही है जरा प्लीज दिखाइए। 144.20 पे आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी रिकॉर्ड डेट भी है डिविडेंड की। आज करीब करीब 2 रुपये मेरे ख्याल से है, मेरे पे चार्ट्स पे भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन करीब 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, डिक्लेयर किया था। खैर अब बात करते हैं आखिरी में 25 मिनटों में मुनाफा कमाना है आपको। देखिए हमारा एक खास सेगमेंट जिसमें हम देखिए एक मैंडेट बनाते हैं कि भाई ये चार्ट अच्छा है, कई विशेषज्ञों की राय ले लेते हैं, उसके बाद आखिरी के 25 मिनट में ये स्टॉक पिक करना शायद थोड़ा सा अच्छा होगा। आइए देखते हैं रजत का वो स्टॉक। रजत जी बिल्कुल, इनफैक्ट जो आज का शेयर है वो है नेल्को, NELCO। देखिए ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और वैसे हम देख चुके हैं कि जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं जैसे कि TRF आज जोरदार तरीके से चल रहा है। ये भी एक प्ले हो सकता है जो आने वाले समय के लिए बेहतर ट्रेड साबित होगा कि वैल्यूएशन काफी सपोर्ट करें इस तरह को, लेकिन टेक्निकल कॉल है और यहाँ पर और तेजी पकड़ सकता है। इनफैक्ट जो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर इंटरनेट बेसिस पे 92 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 85-84.9 के जोन्स पे आपको लगाना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए एक तो 200 दिन के एवरेज के ऊपर, एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। ये बहुत इनफैक्ट कुछ चुनिंदा ही स्टॉक है जो अपनी 200 DMA को होल्ड कर रहे हैं ऐसे मार्केट पे। यहाँ से रफ्तार पकड़ी तो ओपन टेरिटरी में भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल अगर 88 का लेवल पार होता है जो कि 50 DMA और आज का जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो है 87.4, तो ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं 87.4 88 जैसे ही पार होंगे तो इसमें और एस्केलेशन देखने को मिल सकती है और नेल्को इस समय ट्रेडर्स के रडार पर आ जाएगा। वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हो रही है उसको अपने रडार पर रखें, 92 का इमीडिएट टारगेट और पोजिशनल तौर पे यहाँ पर हो सकता है कि 100 रुपए तक की चाल भी दिखा दे। जी, और इनफैक्ट आजकल तो हालात ऐसे हो गए हैं वीरेन कि मार्केट का मूड कैसा भी हो रजत आते हैं और स्टॉक अपने टारगेट को अचीव करना शुरू कर देता है, क्योंकि इतना भरोसा रजत ने बनाया है व्यूअर्स के बीच में। आप देखिए नेल्को अपने टारगेट्स को हिट कर चुका है, 6.5% का मूव अभी भी देखा जा रहा है और इंट्राडे हाईस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर नेल्को ही नहीं, सुबह से अब तक जो भी स्टॉक्स आपको बताया गया उनमें इसी तरह का रिफ्लेक्शन दिखा है, अपने टारगेट्स को अचीव किया है या फिर बिग हिट के तौर पर वो स्टॉक सामने आए हैं। आज का जो मेरा स्टॉक ऑफ द डे होगा इनफिनाइट कंप्यूटर होगा, इसमें आपको 220 रुपए का लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफिनाइट कंप्यूटर्स करीब 11%, तो जो टारगेट इस पर दिया गया था वो हिट हो चुका है। जो टारगेट यहाँ पर था वो 220 का था, उसे सरपास करके उसके ऊपर होल्ड करते हुए। फिर आज जिस शेयर को चुना है वो IT स्पेस से ही है, मेडिकल आईटी की आज का फ्लेवर है और कंपनी का नाम है रोल्टा इंडिया। आज शेयर आपके बजट में रिकमेंडेशन के साथ इस समय 5% से ज्यादा की तेजी, 7860 का लेवल। चलिए तो स्टॉक है नेल्को अब करीब 91 के स्तर पे 5 रुपये ऊपर और करीब करीब 6% की तेजी का लेकर ऑलमोस्ट टारगेट जो है वो अब तक हिट कर चुका है। आशु अब मैं थोड़ा सा मिड कैप में अगर आपके फ्लेवर्स पूछूंगा, मैंने अभी आपने नेल्को की प्राइस परफॉर्मेंस देखी, खैर ऐसी नहीं लेकिन एटलीस्ट मैं छोटे समय में जहाँ पे अच्छे स्विंग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, हाल फिलहाल में आशु डेडिकेटेड मिड कैप या स्मॉल कैप में पूछूंगा कुछ स्टॉक्स जो कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हों जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से आप लोग को अच्छे लग रहे हैं उस वक्त। वीरेन मिड कैप में थोड़ा सा क्योंकि जिस तरह का मूव आया है ये ऐसा मूव है जैसे मैंने बताया कि मोर टेक्निकल था, शॉर्ट कवरिंग थी, तो अगर मूव बनता है या बाय डिप्स है तो उसमें ज़्यादा ध्यान अपना लार्ज कैप्स में था। हाउएवर हैविंग सेड दैट मैं फिर बोलूँगा एक IFCI हमने अभी एक हफ्ता पहले ही 22-22.5 रुपये 23 रुपये तक भी खरीदारी खरीदवाई है, क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, मुझे लगता है कि बहुत सेफ बेट है और इसके अगेंस्ट एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी की सकती है फ्यूचर लेके 25 रुपये वाली कॉल भी बेच सकते हैं सो दैट उसमें एक हेजिंग हो जाती है एंड सेफ स्टॉक है। कल हमने एक देखा था किसी एक न्यूज़ पे सडनली 24-25 तक भी इसने एक टच किया था, आज फिर वापस थोड़ा सा नीचे है, बट मुझे लगता है कि सेफ स्टॉक है इन दिस मार्केट कि अगर मार्केट थोड़ा घटता भी है तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, ऐसा कोई ब्रेक डाउन नहीं दिखता, तो आई थिंक सेफेस्ट में मुझे इस वक्त IFCI लगता है। जी, इस बीच एक बार आप देखिए ग्रैनवेल नॉर्टन को, अभी भी स्पाइक आया है स्टॉक में और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफी स्ट्रांग हुआ है, 5.5% की बढ़त लेकर दिन के उच्चतम स्तरों पर ये शेयर 690 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है ग्रैनवेल नॉर्टन का। इसके अलावा वाडीलाल इंडस्ट्रीज अपने इंट्राडे हाई से नीचे जरूर आया है लेकिन ये स्टॉक बीते 4 सेशन से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, आज 666 के इसने हाईस को टच किया और अभी करीब 637 के लेवल्स पर आ चुका है। राजेश, 4 सेशन में ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न्स शेयर ने दिए हैं, अभी जो प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से जो हावी हुई है ये और स्ट्रेच हो सकती है या फिर अभी भी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए वाडीलाल में?
नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बैरियर रहेगा रफली 700 694 एंड 700 के बीच में एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, क्योंकि हमने इसमें जो शार्प फॉल देखा था जो पिछले बार जो फॉल आया है उसमें जो इसमें भी करेक्शन आया था वाडीलाल में, और जो इसने जो बॉटम हिट किया दैट वॉज समवेयर बिलो 400. सो 400 से लेके अभी रफली 640 तक के है एक अच्छा पुल बैक, इट्स अ स्ट्रेट पुल बैक मिला है, तो मुझे लगता है यहाँ पे पार्श ज़्यादा ठीक रहेगा. हालांकि मोमेंटम अभी भी जारी है तो एंड मिड कैप काउंटर है, तो मुझे लगता है कि एक पार्शियल प्रॉफिट, यू कैन से एक 50% प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे हो सकता है, एंड द रेस्ट द इन्वेस्टर कैन होल्ड फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 690 एंड 700. सो इट्स नॉट ए फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफर, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर है तो दिस स्ट्रैटेजी कुड बी इम्प्लीमेंटेड. आशु, सीमेंट्स स्टॉक्स में आपका कोई इंटरेस्ट है क्या अभी तक? तो खैर मैं चार्ट के लिए देखूं तो कम से कम नहीं तो बीते एक साल में तो कोई फ्लेवर नहीं रहा है, कभी भी बाजार का फ्लेवर बना ही नहीं. अमूमन किसी भी कैलेंडर वर्ष के अक्टूबर नवंबर में बरसात के खत्म होने के बाद आप एक डिमांड देखते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं, अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ तो शायद अब इस बार क्या, आई मीन ऑलमोस्ट बीते 6-7 महीने से विजिबल नहीं है. एग्जैक्टली कारण क्या आशु इसका? और अगर मैं आपसे कहूं कोई स्टॉक जिस पर आपका थोड़ा सा भरोसा हो सीमेंट स्पेस में, तो वो कौन सा होगा? वीरेन, अभी रिसेंटली हमने एक टेक्निकल कॉल दी थी अंबुजा सीमेंट पे, जिसमें एक हमने अप मूव देखा और बुक की. बट अदर देन दैट यू आर राइट कि अगर पिछले एक साल में हम देखें कि जिसमें हमने एक्टिव ट्रेडिंग या एक्टिव इन्वेस्टमेंट की हो उसमें कोई सीमेंट शेयर की कॉल हो तो मुझे शायद याद नहीं पड़ता. सो आई थिंक इट इज मोर एकेडमिक है कि हम स्क्रीन पे कभी कभी देख लेते हैं या उस तरह से, अदरवाइज राडार पे नहीं है. तो आई थिंक सीमेंट में ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है.